हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 15A क्लास 7 RS अग्रवाल में। इससे पहले वाली वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन 1-4 तक अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द क्वेश्चन 5 इज, टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, चलिए आपका है ना। क्वेश्चन 5 इज, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल दे रखा है, उसमें एक एक्यूट एंगल की वैल्यू रखी है 36, फाइंड द अदर। तो हमें अदर एक्यूट एंगल फाइंड करना है, कैसे होगा, क्या दिमाग में आता है। चलो पहले तो जो दे रखा है लिख लो, वन एंगल या फर्स्ट एंगल, आप कुछ भी लिख सकते हो। वन एंगल हमें गिविन है, वन एक्यूट एंगल इज गिविन 36 डिग्री। अदर पूछा है, अदर एक्यूट एंगल, तो कैसा ट्राइंगल दे रखा भैया, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री। तो दूसरा एंगल हमें इनडायरेक्टली दे रखा है 90 डिग्री। तो सेकंड एंगल या अदर एंगल कुछ भी लिख लो आप, उससे कोई फर्क नहीं है, सेकंड भी लिख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिख सकते हो। अदर एंगल क्या हो गया, अदर एंगल इज 90 डिग्री। तो अदर एक्यूट एंगल पूछा है, अदर एक्यूट क्यों लिखा है, क्योंकि एक तो राइट एंगल हो गया, बाकी दोनों एक्यूट एंगल। तो क्या लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, यानी कि 90 प्लस 36 प्लस अदर एक्यूट एंगल, ऐसे लिख लो। तो लिखो 90 प्लस 36 प्लस, ये तो राइट एंगल हो गया, अदर एक्यूट एंगल या थर्ड एंगल ऐसे भी लिख सकते हो आप। अदर एक्यूट एंगल इन तीनों का सम हो जाएगा 180, क्योंकि प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होता है 180। तो हमने वही यूज कर ली, 90 प्लस 36 कितना होगा 126 प्लस अदर एक्यूट एंगल इज इक्वल 180। तो निकला है यहां से, तो अदर एक्यूट एंगल केवल हमें एक्यूट, दूसरा तो हमें इनडायरेक्टली 90 का 90 दे रखा है, राइट एंगल का 90 होता है, सॉरी है ना, वो 90 दे रखा है, तो हमें एक्यूट एंगल फाइंड करना खाली। तो अदर एक्यूट एंगल इज 180 माइनस 126 54 डिग्री आ गया, 54 इज द आंसर। आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते कि अदर एक्यूट एंगल इज 90 में से माइनस कर सकते थे, क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री और बाकी दोनों एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री, तो एक मालूम है तो दूसरा 90 माइनस 36 54, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग ऐसे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 इज द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल, फिर वही राइट ट्राइंगल, यानी कि एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, तो दो एक्यूट अच्छे वो फाइंड करने होंगे हमें, देखते हैं क्या है। आर इन रेशियो 2:1, फाइंड ईच ऑफ दीज एंगल, तो आप समझ गए है ना, क्या दे रखा है, रेशियो बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स इन ए राइट एंगल ट्राइंगल 2:1, ठीक है, ये एन कहां से लगा दिया, रेशो बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स इज 2:1, और कैसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तो लिख सकते हो इन राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल द सम ऑफ बोथ या टू एक्यूट एंगल्स एज 90 डिग्री में लेंगे, इसलिए लिखाइए ऊपर जो बता रहा था ना उस तरीके से कर दूंगा इसको, तो यानी कि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी जरूरत नहीं है, इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, वैसे एंगल मान लेंगे 2x, x और थर्ड क्या होगा 90 डिग्री, 2x प्लस x प्लस 90 इक्वल टू 180, तो x वैल्यू निकालने को सॉल्व करके, इसकी जरूरत नहीं है, इससे इस लैंग्वेज से काम हो गया। अब जब हमने ये भी बताया है, जब कभी भी कोई भी चीज रेशियो में दे रखी हो तो भाई मान लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके साथ सेम वेरिएबल लगा देते हैं, तो मानेंगे लेट द एक्यूट एंगल्स आर 2x एंड 1x, 1x का मतलब x डिग्री, तो वही लिखने वाला हूं मैं, लेट एक्यूट एंगल्स आर 2x डिग्री और 1x, 1x का मतलब x डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना होगा, ये हमने ऊपर लिख दिया, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि 2x प्लस, यानी कि दिस इंप्लाइज 2x प्लस x इज 90 डिग्री, तो 2x x कितना हो गया 3x इज 90 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ x 3 से 90 30 टाइम्स कैंसिल, तो ये x की वैल्यू इंप्लाइज,
तो फर्स्ट एक्यूट एंगल क्या है, 2x लिख दो, फर्स्ट एक यहां लिख देता हूं मैं, फर्स्ट एक्यूट एंगल इज इक्वल टू इंटू एक्स, टू इंटू 30 का मतलब 60 डिग्री हो गया, ओके। और सेकेंड एक्यूट एंगल क्या होगा, सेकेंड एक्यूट एंगल इज एक्स है ओनली, तो 30 डिग्री, तो एंगल आ गए 60 एंड 30, ओके क्लियर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा ये पूरा दिख गया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन 7 इज वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 100 डिग्री, ट्राइंगल दे रखा है उसका एक एंगल की मेजरमेंट दे रखी है 100 डिग्री, तो फर्स्ट एंगल या वन एंगल ऐसे लिख लो, फर्स्ट एंगल इज 100 डिग्री, ये दे रखा हमने लिख लिया, वन एंगल फर्स्ट एंगल आप कुछ भी लिख सकते हो, एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, तो बाकी जो दोनों एंगल हैं वो इक्वल हैं, तो फाइंड ईच ऑफ द इक्वल एंगल, तो हमें जो दोनों इक्वल एंगल हैं उसका मेजर फाइंड करना है कि वो कितने डिग्री का एंगल होगा, ओके। तो क्या करें, जब इक्वल है हमने मान लिया कि मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल इज एक्स डिग्री, लेट मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल्स इज एक्स डिग्री, तो दूसरा भी एक्स है तीसरा भी एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल दे रखे हैं, अब वही एंगल सम प्रॉपर्टी, वही एक्स फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180, तो लिखना चाहो लिख लो, वी नो डैट सम ऑफ All angles of our ओ कर लो से ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, होता है तो बस फर्स्ट एंगल यानी कि वो 100 दे रखा है, सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल दोनों इक्वल है, वो एक्स एक्स मान लिया तो ओरली था ना 40 डिग्री आ जाएगा आंसर, कैसे देखो 100 एक्स प्लस एक्स 2x, जब हमने बताया कैलकुलेटर डिग्री वगैरह आप छोड़ सकते हो लास्ट में लगा सकते हो, तो डिग्री छोड़ दो ही, तो 2x इज इक्वल 180 माइनस 100, ये माइनस है तो 2x इज इक्वल टू 80, आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल किसके आ जाएगा, 2 से 80 40 टाइम्स कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 40, और x क्या था मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल, यानी कि बाकी दोनों एंगल कितने कितनी डिग्री के होंगे 40 डिग्री के, तो लिख दोगे मेजर ऑफ बोथ ईच इक्वल एंगल, मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल इज इक्वल 40 डिग्री, यानी कि बाकी दोनों एंगल 40 डिग्री के होंगे, ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, फिगर आपको बनाने की कोई नेसेसरी है नहीं, मैं आपको समझाने देता हूं कि ये दो एंगल इक्वल होते हैं, अब क्वेश्चन में कह रहा है ये जो एंगल हैं इस एंगल के डबल हैं, दोबारा सुन लो, Each of the two equal angles edge of an isosceles triangle is twice the third angle, जो थर्ड एंगल है उसके ट्वाइस है, अगर ये एक्स है तो ये भी 2x होगा और दोनों इक्वल तो हैं तो ये भी 2x होगा, तो वही करेंगे लेट द थर्ड एंगल बी x, और तीनों एंगल का सम ये हो गया x, तो ये 2x ये 2x है ना, अगर हम इसको x मानेंगे तो ये 2x और ये दोनों इक्वल होते हैं ये भी 2x, फिर तीनों एंगल का सम 180 लगा देंगे आंसर आ जाएगा, तो सबसे इसकी कोई जरूरत नहीं फिगर की, लिखोगे लेट थर्ड एंगल वी एक्स डिग्री, तो मेजर ऑफ बोथ क्या इक्वल एंगल क्या होगा 2x, क्योंकि दे रखा है कि जो इक्वल एंगल है उसका डबल है 2 times है, तो मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल इज इक्वल 2x डिग्री, तो एंगल हो गए एक्स 2x 2x है ना, फिर वही हम ये जानते हैं क्या कि एक्स डिग्री 2x डिग्री मतलब एंगल ऑफ सम जो ऊपर लिखा था मैंने cos, वो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, वी नो डेट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, तो एंगल का सम लिख रहे हैं और ये किसके इक्वल लिख देंगे
180, 2x, 2x, 4x और x 5x, तो 5x की वैल्यू आ गई 180। तो इसको हम सॉल्व करके क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ x, 5 से डिवाइड, 5 बन जा, 5 3 जा 15, 5 6 जा, तो x की वैल्यू हो गई 36। क्या पूछा था इसमें, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, हमें तीन एंगल फाइंड निकालने थे। थर्ड एंगल क्या था, s डिग्री, तो लिख दो थर्ड एंगल, थर्ड एंगल से मतलब जो इक्वल नहीं है, थर्ड एंगल इज 36 और जो इक्वल है 2 टाइम्स रखा तो 72 डिग्री वो हो जाएंगे। बात समझ में आई नहीं आई है ना, तो लिख दोगे ईच इक्वल एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ 36, 72 डिग्री। तो एंगल्स क्या हो गए, तो एंगल्स आर, तीन एंगल्स होते हैं, आप सोचोगे दो 70-72 हैं, तो एंगल्स आर दो इक्वल एंगल 72-72 और थर्ड एंगल 36। दीज आर द आंसर, तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एंड द क्वेश्चन 9 इज, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू सो डेट द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए मतलब क्या है, इसमें आप फिगर बनाओ तो ज्यादा समझ में आएगा। एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, इसका एक एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के इक्वल हैं, तो हमें प्रूव करना है कि वो एंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इसी तरह मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। अब ये होगा कैसे प्रूव, या तो आप फिगर बनाओ उसके, है ना, जैसे हमने ये फिगर मान ली, और नहीं है तो आप फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना। ये फिगर बनाने से तो ये हो गया कि हमने ये प्रूव कर देते एंगल बी ही, तो हमें पता था ना एंगल बी ए भी हो सकता है, भी राइट एंगल ट्राइंगल सी भी हो सकता है, तो कायदे से क्या होता है फिगर की कोई जरूरत नहीं होती, हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, कोई भी एक एंगल की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, अदर टू एंगल के सम से। अगर इसी फिगर को यूज करें तो हम एंगल बी की वैल्यू दे रखी है ए प्लस सी, लेकिन मान लो हमें फिगर नहीं है, हमने तो मान लिया, पता थोड़ी ना है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो गिवन है, क्या गिवन है कि एंगल मान लो सी है, सी की वैल्यू दे रखी है एंगल ए प्लस एंगल बी, जो एक एंगल है बाकी दो एंगल के सम के इक्वल है, ये हमें गिवन है। आप यहां एंगल बी भी ले सकते हो, यहां आप एंगल ए भी ले सकते हो। अगर आप एंगल ए लिखोगे तो यहां लिखोगे बी प्लस सी, क्योंकि ए बी सी लिया, आप पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये भी आपकी मर्जी है, जिसने कि ए बी सी लेना, आप पी क्यू आर ले लो, एक्स वाई जेड लिख लो, कुछ भी ले सकते हो। अगर एक्स वाई जेड लेते हैं तो यहां कुछ भी एंगल मान सकते हो कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड, है ना, समझ में आ गई बात। तो ये सी इक्वल टू हो गया। अब प्रूव कर, इसको डाल दो इक्वेशन वन। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये फिगर की जरूरत नहीं है, फिगर गलत है ना, खाली ऐसे लिखना। तो देखो क्या लिखोगे, हम ये लिखेंगे कि वी नो डैट, छोटा सा सवाल है देखना, वी नो डैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर लिखना चाहिए, क्या जैसे ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो ट्राइंगल एबीसी में कौन कौन से एंगल हुए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। अब इक्वेशन जो फर्स्ट हमने गिवन था उससे सी की जगह ए प्लस बी ले सकते हैं और ए प्लस बी की जगह सी ले सकते हैं, ले सकते ना, तो ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो। ओके, तो ए प्लस बी की जगह हम ले सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। कहां से आया, या ब्रैकेट में लिख दो, ये हमने वैल्यू पुट करी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में ए प्लस बी की जगह सी हमने पुट कर दिया, बस हो गया सवाल। सी प्लस सी ट्वाइस एंगल सी इज 182 से डिवाइड कर दो, एंगल सी इज 180 अपॉन 2, 2 से 90 टाइम्स कैंसिल, एंगल सी इज 90 डिग्री, एक एंगल की वैल्यू निकलाई 90 डिग्री। और हमें यह भी पता है अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो ट्राइंगल कैसा होता है, राइट ट्राइंगल। हमें यही प्रूव करना था कि सो डेट ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो दिस इंप्लाइज ट्राइंग, क्योंकि सी की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, या आप खाली इसे चाहो तो राइट ट्राइंगल भी
लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, हो गया प्रूफ। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें केवल क्या प्रूफ करना था कि एक एंगल की वैल्यू, चाहे ए हो चाहे बी हो या सी हो, कोई भी एक वैल्यू 90 डिग्री हो, ए बी सी तो हमने माना, पी क्यू आर कुछ भी लिख सकते हो ना, दिया था ना, तो एक एंगल 90 डिग्री आना चाहिए, वो आ गया एंगल सी। और हम यही फाइंड कर सकते थे एंगल, आप चाहो तो एंगल बी और ए की फाइंड कर सकते, नहीं कर सकते, इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दे रखा है इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या दे रखा है कि एंगल ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल थ्राइस एंगल बी इज इक्वल सिक्स एंगल सी। तो कैलकुलेट एंगल ए बी एंड सी, इतना ही इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। और ये अच्छा सवाल है, इससे इंफॉर्मेशन को लेते हुए हमें तीनों एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। मान लिया इसका मतलब क्या है कि 2 ए की वैल्यू अगर 60 है तो 3 बी भी 60 है और 6 सी भी 60 है, ये तो मतलब है। अरे इस पूरे की वैल्यू एंगल ए में 2 से मल्टीप्लाई कर, जो भी है वही इक्वल किसके होगा, एंगल बी की जो वैल्यू उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें वो आए, और जो एंगल सी है उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर वो आए। तो हमने मान लिया सारी की सारी तीनों की तीनों एक्स के इक्वल है या के इक्वल है या वाई के इक्वल है या ए के इक्वल है, कोई भी एक वैल्यू ले लोगे। तो हमने मान लिया लेट ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल थ्राइस एंगल बी इज इक्वल सिक्स टाइम्स ऑफ एंगल एंगल सिक्स सी इक्वल टू क्या मान लिया हमने, चलो एक्स मान लिया, क्लियर, एक्स डिग्री या खाली एक्स लिख लो। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ट्वाइस एंगल ए की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स के। अरे इनको भूल जाओ, तीनों इक्वली तो हैं। तो ए की वैल्यू क्या हुई, तो एंगल ए इज एक्स अपॉन टू, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब सेम ए और सी को भूल जाओ, तो थ्राइस बी इक्वल टू एक्स है एंड थ्राइस एंगल बी इक्वल टू एक्स है, तो इससे एंगल बी की वैल्यू क्या हो गई, एक्स अपॉन 3, इसको आप सेकंड इक्वेशन दे दीजिए। सिमिलरली 6 एंगल सी इक्वल टू एक्स है ना, क्या 6 एंगल सी इज इक्वल टू एक्स है, तो एंगल सी की वैल्यू हो गई एक्स अपॉन 6 डिग्री, ये हो गई इक्वेशन 3। अब अगर किसी तरह एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाए तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो एंगल ए भी निकल आएगा, एंगल बी भी फाइंड हो जाएगा, एंगल सी भी हो जाएगा। तो ये कैसे यूज होगा, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से यूज होगा। सॉल्व होगा कैसे कि बी नो डैट, चलो लिख देते हैं, बी नो डैट सम ऑफ ऑल, चलो आप पूरा शब्द लिख ही दूं, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री। और ए बी सी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से पुट कर दो, ए की वैल्यू एक्स वाई 2, बी की वैल्यू एक्स वाई 3 और सी की वैल्यू एक्स वाई 6, यानी कि हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 6, इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल है 180, 2, 3, 6 का एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा भाई 6 आ जाएगा, ये तो आपको अच्छे से पता है 6 आ गया एलसीएम। 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स, 3 इंटू एक्स 3x, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स 2 इंटू एक्स 2x, 6 का डिवाइड 6 वन टाइम 1 इंटू एक्स एक्स एज 180, ये कितना हो गया 3x प्लस 2x 5x, 5x और x 6x, तो ये आया 6x अपॉन x एज 180। x से ओहो ये 6 है, मैंने x लिख लिया, 6 है ना, 6 से 6 कैंसिल, 6 ही तो है, 6 से 6 कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ x आ गई 180। द वैल्यू ऑफ x 180 आ गई, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, एंगल ए 180 अपॉन 2 निकलाया 90 डिग्री, यानी कि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल था। तो चलिए पुट कर दो यहाँ, है ना, तो देखो एंगल ए की वैल्यू क्या हो गई, तो एंगल ए इज x अपॉन 2, 180 अपॉन 2, 2 से ये 90 टाइम्स कैंसिल, तो एंगल ए आ गया 90 डिग्री। एंगल बी कितना है x अपॉन 3,
तो 180 अपॉन 3, 3 से ये 60 टाइम कैंसिल, एंगल बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, एंड एंगल सी वो दे रखा हमें एक्स अपॉन 6, तो 180 अपॉन 6, 6 से ये कैंसिल हो गया 30 टाइम्स, तो एंगल सी इज 30 डिग्री, तो ए 90 डिग्री, बी 60 डिग्री एंड एंगल सी विल बी 30 डिग्री। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 to 15 वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना, और खूब इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं कोई एक वीडियो में सारे सॉल्यूशन को लिख के स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नाम से उसका टाइटल दूंगा और वीडियो अपलोड कर दूंगा, है ना। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि इसके आगे का पार्ट मैं जब भी अपलोड करूंगा वो आपका मिस नहीं होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इससे पहले कि आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए, इससे पहले तक सारे एक एक क्वेश्चन हो रहे हैं, वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, क्लास 6 आरएस अग्रवाल मैथ नाम से प्लेलिस्ट है। अगर एनसीईआरटी की कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।